Hello students, our today's subject is English and our topic is small letters. Small letters में हम लोगों ने पहले A, B, C, D complete किया था. आज हम लोग सीखेंगे E, F, G, H. E, F, G, H. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि small letters में बहुत सारे letters हम लोग बीच के two lines में लिखते हैं, बहुत सारे लेटर्स हम लोग ऊपर के थ्री लाइंस में लिखते हैं और बहुत सारे लेटर्स हम लोग नीचे के थ्री लाइंस में लिखते हैं. ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ ई मैंने बीच के टू लाइंस में लिखा है, एफ को ऊपर के थ्री लाइंस में लिखते हैं, जी को हम लोग नीचे के थ्री लाइंस में लिखते हैं. ओके, और एच को फिर से ऊपर के थ्री लाइंस में लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है ई. ई लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच के टू लाइंस में यहाँ से ऐसे एक सीधा लाइन, इसको हम लोग कर्व करते हुए जैसे सी लिखते हैं ना वैसे ये कर्व करेंगे. ये हो गया ई, इसको हम लोग बीच के टू लाइंस में लिखेंगे. ओके, ई ई ई, ये हो गया ई. ये क्या हो गया ई. ई को हम लोगों ने कहाँ लिखा है, बीच के टू लाइंस में. ओके, आप लोग लाइन का ध्यान रखेंगे. स्मॉल लेटर्स में हम लोग सारे लेटर्स को एक ही जैसा नहीं लिखते हैं. ओके, एफ नेक्स्ट क्या है, एफ. एफ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर के थ्री लाइंस में. तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते, थोड़ा सा कर्व करके ये सीधा स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और सेकेंड लाइन पर ऐसे कट करेंगे. एफ फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा कर्व करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन, देन सेकेंड लाइन पे ऐसे एक स्लिपिंग लाइन डालकर कट करेंगे. एफ एफ एफ, हो गया एफ. नेक्स्ट है जी. जी लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बीच के लाइन से, बीच के सेकेंड लाइन से हम लोग थर्ड लाइन तक ऐसे करेंगे जी, और ये वाला सेकेंड लाइन में बीच के दो लाइन में हम लोग इसको कर्व करके ज्वाइन करेंगे. ये हो गया जी. पहले हम लोग इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लेके नीचे के थर्ड लाइन तक ज्वाइन करेंगे और यहाँ बीच के टू लाइन में इसको ऐसे कर्व करते हुए ज्वाइन कर देंगे जी. उसको हम लोग नीचे के थ्री लाइंस में लिखते हैं. ओके, ये हो गया, ऐसे हम लोग कर्व करेंगे और ये बीच के टू लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर देंगे. ओके, जी, और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे. ये हो गया जी, स्मॉल जी. ई एफ जी. नेक्स्ट है एच. एच लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऊपर के थ्री लाइंस में एक ऐसे सीधा स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, फिर इसको ऐसे एक स्लिपिंग लाइन, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बीच की टू लाइंस में. ओके, एच, ये इसको हम लोग ऊपर के थ्री लाइंस में लिखते हैं, तो ऊपर के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन तक हम लोग ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और बीच के टू लाइंस में एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन, फिर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन. ये हो गया एच, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. एच, स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन को ज्वाइन करते हुए सेकेंड लाइन से एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन थर्ड लाइन तक. हो गया एच. ई एफ जी एच. ई को हम लोग बीच के टू लाइंस में लिखेंगे, एफ को ऊपर के थ्री लाइंस में लिखेंगे, जी को नीचे के थ्री लाइंस में लिखेंगे और एच को हम लोग फिर से ऊपर के थ्री लाइंस में लिखेंगे. ओके, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ये आपकी इंग्लिश नोटबुक है, इसमें आप लोगों को स्मॉल लेटर्स ई टू एच टू पेजेस लिखना है और आपको अपनी स्मॉल लेटर राइटिंग बुक में पेज नंबर 12 एंड 13 कंप्लीट करना है. ओके, मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था, ये है आपकी स्मॉल लेटर की राइटिंग बुक, माय फर्स्ट एक्टिविटी स्मॉल लेटर. इसमें आपको राइटिंग अपना कंप्लीट करना है. ओके, पेज नंबर 12 एंड 13. थैंक यू.